हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। और एक्सेस में देखिए, कोई भी डेटाबेस आप यूज करते हो इस बात की पूरी गारंटी है, और फिलहाल तो एक्सेस की तो पूरी गारंटी है कि आपको रिलेशनशिप समझ में आ जाएगी। अगर आपने रिलेशनशिप सीख लिया तो बहुत आसानी से बड़े जो सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप कर सकते हैं। आप कैसे डेवलप कर सकते हैं वो बात अभी आपके समझ में आएगी। यहाँ पर मैंने एक्सेस को ओपन किया है, आप देख सकते हैं, और ये ब्लैंक डेटाबेस है। तो पिछले वीडियो में आपने देखा ही था, पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये ब्लैंक डेटाबेस पे जाकर के हमको क्या करना है, यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करना। अब ये हमारे डेटाबेस का नाम है, तो ये दे करके और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करिएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से व्यू पर जाकर के डिजाइन व्यू पे जाइएगा। जैसे डिजाइन व्यू पे जाएंगे तो मैं इसे नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट टी। ये प्रोडक्ट वाली टेबल है और इसे मैंने नाम दे दिया प्रोडक्ट टी। तो ये तो हमारी टेबल हो गई, और ये यूनिक फील्ड है। यूनिक यानी कि ये प्राइमरी की है, और प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है। इसका डेटा टाइप देखिए, मैंने ऑटो नंबर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट, जैसा कि हर बार लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट कर देता हूँ। ये जरा ध्यान से देखिएगा और ये पूरी डिटेल बात आपको समझ में आएगी। और यहाँ पे प्राइस करता हूँ, इस प्रोडक्ट की प्राइस करता हूँ यहाँ पे। और प्राइस को हमेशा करेंसी डेटा टाइप आपको रखना है। क्या रखना है? करेंसी, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट करेंगे, तो यूनिट चूंकि डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल के लिए हम क्या करेंगे, इसे नंबर बनाएंगे और यहाँ से इसे बना देंगे डबल। तो ये डबल भी बना दिया है, तो नीचे देख सकते हैं डबल हो गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, प्राइस भी आ गया, यूनिट भी आ गया, अब हमको उसके हिसाब से टोटल करना है। तो ये टोटल यहाँ पे आ जाएगा, और टोटल कौन सा डेटा टाइप होगा, ये भी नंबर डेटा टाइप होगा, तो यहाँ पे नंबर रख लेते हैं, ठीक है। इन सब पे जीएसटी आएगी, तो टैक्स आएगा, तो यहाँ पे टैक्स लगा देते हैं। और टैक्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं, तो ये लुकअप विजर्ड पे जाके ड्रॉप डाउन बनाएंगे। आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वॉन्ट, पर जाकर के यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5, ठीक है। अभी जरा देखिएगा, यहाँ पे 5 अगर मैं परसेंट कर दूंगा तो दिक्कत होगी। मैं पहले यहाँ नंबर रख लेता हूँ, ये नंबर रख लिया, और इसे बना दूंगा क्या, डबल। क्या बनाऊंगा? डबल बनाऊंगा। और यहाँ पे फॉर्मेट क्या रखूंगा, परसेंटेज रखूंगा। क्या रखूंगा? परसेंटेज। तो ये फॉर्मेट भी परसेंटेज रख लिया। अब यहाँ से जाएंगे लुकअप विजर्ड पे, ये लुकअप विजर्ड पे आए, आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वॉन्ट पे आए, और यहाँ से नेक्स्ट किया। और अब यहाँ पर मैं रखता हूँ, देखिएगा यहाँ पे लिखा मैंने 5%, ठीक है। 5 के साथ परसेंट भी लिख रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ 10%, जो हमारे यहाँ जीएसटी लगता है वही स्लैब में यहाँ पे रख रहा हूँ। फिर यहाँ क्या करेंगे, 18% करेंगे, एक छूट गया, 12% भी रखेंगे, तो यहाँ नीचे कर देते हैं 12%, कोई बात नहीं। तो ये 12% हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 21%, और लास्ट में क्या होगा, 28% कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से ये टैक्सेस के स्लैब हमने निर्धारित कर दिए, और यहाँ पे इसे फिनिश करेंगे। तो ये हमारा काम हो गया है। और अब यहां पर आएंगे तो टैक्स अमाउंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये टैक्स अमाउंट यहां पर आएगा, तो टैक्स अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा जरा देखिएगा। यहाँ पे ये यहां पर हम नंबर डेटा टाइप रख लेंगे, ठीक है, और यहां से व्यू पे क्लिक करेंगे और यहां पे यस करेंगे, ठीक है। तो ये एक टेबल हमारी बनती हुई नजर आएगी। अब यहां पर ये तमाम चीजें होंगी, अब इसके लिए हमें क्वेरी भी बनानी होगी। तो जैसे मान लीजिए, अगर मैं किसी प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया रिफाइंड ऑयल, फॉर्च्यून लिख देता हूँ, फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल, फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है, और इसकी प्राइस यहाँ पर आएगी। तो मान लीजिए फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल 130 रुपए लीटर है, और यहाँ पर मान लीजिए कि 15 लीटर 17 लीटर जो भी यहाँ पे आया हो, तो यहाँ पे ये कर दिया, तो ना तो टैक्स आ रहा है ना तो टैक्स अमाउंट। तो टैक्स तो यहाँ से आप चूज कर लेंगे, जैसे 5% टैक्स चूज कर दिया, तो आ गया क्या, यहाँ पर तो नहीं आया। तो यहाँ पर आए इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए क्वेरी बनानी पड़ेगी। तो हमने टेबल तो बना लिया बड़े आसानी से, अब इसके लिए क्वेरी भी बना देते हैं। तो यहाँ से चलेंगे क्रिएट पर, और यहाँ से चलेंगे क्वेरी डिजाइन पर, और एक क्वेरी लिख देंगे। तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, और ऐड करके हम क्या चाहते हैं, इन सारे फील्ड्स को लेना चाहते हैं, तो सारे फील्ड्स को यहाँ से लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये ले तो लिया है हमने। अब यहाँ पे सबसे पहले टोटल को कैलकुलेट करने का यहाँ पे काम करना होगा हमको। थोड़ा सा मैं जूम भी करता हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा हो, आसानी हो। अब यहाँ पर आपको कॉलन लगा करके स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, और प्राइस को मल्टीप्लाई कर देना है सीधा यूनिट से। ये बहुत आसान है, कई बार भी मैं बता चुका हूँ इसको। तो प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यूनिट से काम हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन अब बात आती है टैक्स अमाउंट की, तो टैक्स अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर थोड़ी सी समस्या होती है। तो समस्या की कोई बात नहीं है, यहाँ पर टोटल में ही हमारा टैक्स छिपा होगा, तो टोटल मल्टीप्लाई बाई टैक्स कर देंगे, यहाँ पर टैक्स करेंगे और हमारा जो भी है वो निकल के आ जाएगा। और यहाँ से रन पे क्लिक कीजिए, देखिए ये क्वेरी बन गई है, और यहाँ पर टैक्स अमाउंट भी आपको कैलकुलेट होता हुआ नजर आ रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे दूसरा कोई है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे किंग सोयाबीन ऑयल, सोया
बीन ऑयल, ये लिख दिया हमने सोयाबीन ऑयल OIL, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, ये जो है 135 रुपए है, मान लीजिए 135 रुपए कर देते हैं, और ये 20 लीटर की बात करी जा रही है यहां पर, तो अब इस पे भी 5% का टैक्स लग रहा है, तो यहां पे 5 करेंगे, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा, देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। अब फिर यहां पर आते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं सफोला रिफाइंड ऑयल OIL, ठीक है, तो ये यहां पे लिख दिया है, और ये 145 रुपए का जो है एक लीटर है, और यहां पे 5 लीटर की बात हो रही है, और इस पर टैक्स स्लैब थोड़ा डिफरेंट देता हूं 10%, तो यहां पे देखिए 10% के हिसाब से ये कैलकुलेट कर रहा है, और पॉइंट में भी ये लेके आ रहा है आंसर। तो ये तो आपकी रही क्वेरी, और इसे मैं प्रोडक्ट क्यू के नाम से सेव करूंगा, प्रोडक्ट क्यू, ये प्रोडक्ट क्यू कर दिया, ठीक है। तो ये हमने क्वेरी भी बना ली है, देख सकते हैं। अच्छा, रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगी, रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप क्रिएट कराना भी आसान है, कैसे करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे, और यहां से हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, एक अलग से टेबल बनाएंगे, और इस टेबल को हम नाम देंगे कस्टमर टेबल, क्या नाम देंगे, कस्टमर टी कर देते हैं, कस्टमर टी यानी कस्टमर टेबल, ठीक है। तो ये कस्टमर टेबल हो जाएगा, यहां पर कस्टमर की आईडी आएगी, तो ये लिख देता हूं कस्टमर अंडरस्कोर आईडी कर देते हैं, और यहां पर ये चेंज रखूंगा, यहां पे मैं टेक्स्ट रख देता हूं, और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर दे देते हैं नेम ऑफ कस्टमर, नेम ऑफ कस्टमर, ये हो गया नेम ऑफ कस्टमर, और यहां पे कस्टमर का नेम आएगा, और यहां पे फोन नंबर उनका डाल देते हैं, तो ये फोन लिख देता हूं, तो बस इस तरीके से कर दिया है, और यहां पर ये जाकर के इस तरीके से ये आ जाएगा। तो अभी यहां पर कस्टमर आईडी, अच्छा एक फील्ड कॉमन होनी चाहिए, तो यहां पर हमने आईडी रखा है, तो आईडी को यहां कॉमन डाल देंगे, और ऑटो नंबर वहां पे डेटा टाइप रखा है, आप देखिए ना यहां पे डेटा टाइप क्या रखा है हमने इसका, ये देखिए आईडी का डेटा टाइप क्या रखा है, तो यहां पे आप देख पाएंगे, मैं इसे एडिट करता हूं, ऑटो नंबर रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें यहां पर भी ऑटो नंबर ही देना होगा, जब हम ये बनाएंगे तो इसमें भी हमें ऑटो नंबर ही देना होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आईडी यहां पे लिखता हूं इस तरीके से आईडी, और यहां पे दे दूंगा ऑटो नंबर, क्या दूंगा ऑटो नंबर, तो ऑटो नंबर ना देकर के आप नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा, और अब क्या करना है, यहां से यस करना है, यस कर दिया। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर कस्टमर की आईडी आएगी, जैसे मान लीजिए A01 कर दिया, और यहां पे नेम ऑफ कस्टमर आएगा, तो यहां पर रितेश नाम डाल देता हूं कस्टमर का नाम, ठीक है, और यहां पे फोन नंबर जो भी इनका हो वो दे दीजिएगा, और यहां पर आईडी आएगी, तो आईडी 1 रखेंगे क्योंकि सेम रहेगा पहला वाला, यहां पे A02 रहेगा, और मान लीजिए कस्टमर का नाम यहां पे रितेश ही है, और यहां पे फोन नंबर जो भी हो इनका, ठीक है, और यहां पे 2 कर देते हैं। तो ये इस तरीके से ये देख सकते हैं, दो टेबल्स बन गई हमारे पास। अब रिलेशनशिप की बात आती है, तो रिलेशनशिप कैसे क्रिएट कराएं, ये सवाल उठता है, ठीक है। तो बड़ा आसान है, इसमें कोई बहुत झंझट वाली बात नहीं है, यहां सीधा आपको कहां जाना है, डेटाबेस टूल्स पे जाना है, और यहां से रिलेशनशिप पे जाना है। देखिए ये पूछ रहा है क्वेरी वाला कराना है या किसका कराना है, इसके बीच में ये देखिए दोनों टेबल्स हैं, तो यहां पर ये पहली टेबल, ये दूसरी टेबल आ गई, अब दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कराना है। तो यहां देखिए ये आईडी जो दिख रहा है, इस आईडी को मैं इसके सामने ले जाकर रख देता हूं, और इन तीनों पर टिक करूंगा, तो देखिए 1-to-many रिलेशनशिप ये क्रिएट हो जाएगी। और इसका फायदा देखिए, एडवांटेज कितना ज्यादा है, कि यहां पर आप जाते हैं प्रोडक्ट वाली टेबल पर, तो आपको यहीं से कस्टमर की भी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो देखिए यहां पर पूरी कस्टमर की डिटेल भी आपको यहां से मिल जाती है, ठीक है, यानी दोनों ही की डिटेल मिल जाती है, ठीक है। और दो क्वेरीज को कंबाइन करना है, तो यहां पर जाकर के आप आसानी से कंबाइन भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसी के बेस पे फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं आप, कैसे डिजाइन करेंगे, बड़ा आसान है, मैंने पिछली बार बताया था आपको। यहां पर जाएंगे और क्वेरी के बेस पे, देखिए इस बार तो क्वेरी के बेस पे करना है। तो ये प्रोडक्ट क्यू है, इसको मैं ले लेता हूं, तो इसमें हमें क्या चाहिए, नेम ऑफ प्रोडक्ट चाहिए और तमाम चीजें चाहिए सिवाय एक चीज के। ये आप देखिए यहां पर कस्टमर क्यू है, तो कस्टमर क्वेरी है, तो यहां पे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और तमाम चीजें, आप चाहे तो आईडी भी ले सकते हैं ये प्रोडक्ट वाले टेबल से। तो यहां पे ये प्रोडक्ट क्यू से लेना है हमें आईडी, आईडी छूट गया है, तो ये ले लिया हमने। और यहां पर हम सब फॉर्म बना रहे हैं, देखिए सब फॉर्म बना रहे हैं, और यहां पर हम ये इस तरीके से जाएंगे और इसको हम टेबुलर फॉर्म में रखेंगे, टेबुलर, ठीक है। और यहां से आपको जो ठीक लगता हो स्टाइल, वो स्टाइल आप चाहे तो चूज कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे स्टाइल दिए गए हैं, कोई भी एक स्टाइल जो आपको ठीक लगता हो वो चूज करके आगे बढ़िए, और यहां से मॉडिफाई कर दीजिए इसे, और मॉडिफाई करके ओके कीजिए। आपको दिख रहा है पहला तो प्रोडक्ट वाला, तो ये प्रोडक्ट आईडी वाला आईडी ले लिया हमने। अच्छा यहां पर एक चीज है कि यहां पर ये बैकग्राउंड चेंज कर लीजिएगा, यहां से जाकर के जो भी बैकग्राउंड आपको ठीक लगता हो वो बैकग्राउंड लेके आ जाइएगा। फिर यहाँ नेम ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा, कस्टमर का तो अभी आ नहीं रहा है,
और इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, यहाँ से खींच उच करके इसको सही कर लीजिएगा, इसको छोटा बड़ा बना लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, फिर प्राइस आएगी यहाँ पे, ये प्राइस है, और प्राइस के बाद यूनिट आएगा यहाँ पे, यूनिट हो गया, फिर टोटल हो गया यहाँ पे, फिर टैक्स हो जाएगा यहाँ पे, ये टैक्स अमाउंट हो जाएगा। तो तमाम चीजें यहाँ पे इस तरीके से हो जाएंगी। और ये कस्टमर की जो टेबल है, ये भी यहाँ से हम कस्टमर आईडी लेके आ सकते हैं, और फिर यहाँ से कस्टमर नेम आ जाएगा, ये कस्टमर नेम हो गया आपका, और ये फोन है, बस यहाँ तक की चीजें आएंगी, और बाकी सब चीजें यहाँ से छोटा बड़ा करके इसको भी हम सही कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से जाके ये छोटा कर लिया हमने, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आपको नजर आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर तमाम चीजें इस तरीके से नजर आ रही हैं आपको।